व्हाट्स इन माय डिनर थाली, राइस, हरी चटनी, थोड़ा सा प्याज का सैलेड और है एक तड़के वाली दाल। वेलकम बैक टू दी मिठू स्पेशल। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी वाटर फास्टिंग। मैं वाटर फास्टिंग किस तरीके से करती हूँ, उससे वेट लॉस होता है कि नहीं, उससे कितना वेट लॉस होता है, उससे क्या हेल्थ अच्छा रहता है कि नहीं, ये सारा डाउट मैं आज क्लियर करने वाली हूँ। सो गाइस, दोपहर का लंच कुछ नहीं था, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट अगर मैं बोलूँ तो मैं सिर्फ एक फ्रूट खाती हूँ, और डिनर में मैं नॉर्मल थोड़ा सा राइस इतना सा, और उसमें तड़के वाली दाल और उसके साथ थोड़ा सा सैलेड, ग्रीन चटनी वगैरह अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो इतना होता है मेरा डिनर। और वाटर फास्टिंग पूरे 24 घंटे का होता है। तो आज है मंडे और मैं वाटर फास्टिंग शुरू करी थी संडे नाइट 8 o'clock के बाद से, क्योंकि संडे नाइट 8 o'clock पर मैं डिनर करी थी, फिर उसके बाद मैंने कोई खाना नहीं खाया था। तो बीच में पूरे 12 घंटे वगैरह बीतने के बाद मैं मॉर्निंग 8 o'clock में एक फ्रूट ले ली थी। वो इसलिए क्योंकि आप बोल सकते हैं जो वाटर फास्टिंग के अंदर फ्रूट अगर कुछ आपको ऐसा अनईजी सा लगे या फिर आपको ऐसा लगे कि थोड़ा सा कमजोर फील कर रहे हैं, क्योंकि अभी समर सीजन चालू है, तो आप लगभग 12 घंटे के बाद में एक फ्रूट ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो, आप मैंगो ले सकते हो, जो भी सीजनल फ्रूट्स है वही लेना तो ज़्यादा अच्छा रहता है। मैं सीज़न के हिसाब से चेंज करती हूँ, तो अभी समर है तो उस हिसाब से आम चल रहा है, कभी मैं ऑरेंज लेती हूँ, कभी मैं बनाना लेती हूँ, कभी मैं एप्पल लेती हूँ, वो डिपेंड करता है कौन सा फ्रूट है अभी मेरे पास वो, लेकिन सिर्फ एक ही लेना है। अगर आप आम ले रहे हो तो एक ही आम ले लो, संतरा ले रहे हो तो एक ही संतरा, बनाना ले रहे हो तो एक ही बनाना लो, बस ये हो जाता है पूरे 12 घंटे बाद वाला जो मेरा खाना होता है एज अ ब्रेकफास्ट, मैं उसको ले लेती हूँ। और उसके बाद लंच कुछ भी नहीं रहेगा, डिनर आके मैं प्लेन राइस, वाइट राइस लेती हूँ, और उसमें एक तड़के वाली दाल रहेगा, थोड़ा सा सैलेड रहेगा या फिर ग्रीन चटनी उसके साथ रहता है, तो बहुत अच्छी बात है। तो ये मेरा डिनर होता है, पूरे 24 घंटे जो मेरा फास्टिंग रहेगा उसके अंदर मैं सिर्फ एक फ्रूट लेती हूँ जो मेरे बॉडी को फाइबर वगैरह दे दे, बस उतना। अगर आप पूरे 24 घंटे का फास्टिंग कर सकते हैं वाटर फास्टिंग, तो बहुत अच्छी बात है। और ये 24 घंटे के अंदर मैं सिर्फ पानी पीती हूँ, और 24 घंटे के अंदर मैं लगभग 4-4.5 लीटर पानी पी जाती हूँ, क्योंकि देखो खाना वाना खाने के बाद कोई पानी पीना नहीं होता है। तो मैं सुबह सुबह मॉर्निंग जैसे उठ जाती हूँ उठते साथ ही लगभग 1.5 लीटर से ज़्यादा पानी पी लेती हूँ, जैसे कि मेरी भूख मर जाती है। फिर उसके बाद जैसे 8-8:30 बजता है, तो मुझे अगर ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा सा अनईजी फील कर रही हूँ तो मैं एक फ्रूट ले लेती हूँ। फिर उसके बाद जो भी टाइम रहेगा, जब भी मुझे भूख लगती है तो मैं पानी पी लेती हूँ। भूख वाला महसूस नहीं होता, ऐसा लगता है अगर कि पेट खाली रहा तो थोड़ा सा अनईजी फील लगा होता है, तो उस टाइम पे पानी ले लो, बस ख़त्म। तो इसमें क्या होता है वाटर फास्टिंग में, आप अपना वेट लॉस कर सकते हो बहुत अच्छे से। मतलब उस टाइम पे ऐसा होगा, पानी आपको ना ही कैलरी होता है ना ही कार्ब होता है, तो फिर उस हिसाब से हमारे बॉडी को जो पुराने स्टोर एनर्जी रहता है, मतलब स्टोर जो फैट होता है वही एनर्जी होता है, तो वो यूज़ होने लगता है। तो मतलब जो भी हमारा जमा फैट है वो बर्न होके काम करने लगता है, फिर हम धीरे 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 वेट लॉस करते हैं। और मैं मतलब वाटर फास्टिंग कर रही हूँ, बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि आप तो हेल्दी हो, मतलब ओवर वेट नहीं हो। नहीं, मैं ओवर वेट नहीं हूँ, लेकिन मैं हमेशा लिमिट में रहने के लिए ये फास्टिंग करती हूँ, जिससे कि मेरी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाए और जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है ना उनको भी थोड़ा सा छुट्टी मिल जाए, वक्त मिल जाए। मतलब ये स्पेशली होता है डिटॉक्सिफाई करने के लिए वाटर फास्टिंग होता है, और मैं इसी तरीके से करती हूँ। अगर कोई बहुत जल्दी अपना वेट लॉस करना चाहते हैं तो हफ्ते में 2-3 दिन आप वाटर फास्टिंग रख सकते हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन वाटर फास्टिंग रख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि जो स्टोर फैट है, जो स्टोर एनर्जी है वो रीयूज होता है। तो मतलब उसमें आपका बॉडी शेप में आ जाता है, आपको कोई आपको मतलब ऐसा महसूस ही नहीं होता है,
मैं स्पेशली ऐसे करती हूँ वाटर फास्टिंग, लोग जो भी करते हैं 24 घंटे करते हैं, मैं बीच में जो एक फ्रूट ले लेती हूँ वो मैं अपने हिसाब से ले लेती हूँ कि मेरी बॉडी कुछ पूछ रही है। तो मतलब आप अपनी बात के अलावा अपनी बॉडी की बात भी सुनना चाहिए। तो मैं अपनी बॉडी की बात सुनती हूँ कि हाँ भाई तुझे तेरे पेट में कुछ देना चाहिए, तो मैं उस टाइम पे एक फ्रूट ले लेती हूँ। इससे मेरा वेट लॉस कितना हुआ है अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं बोलूँगी कि लास्ट एक महीने में मैंने 4 बार वाटर फास्टिंग रखा था, मतलब हर मंडे मैं वाटर फास्टिंग रखती हूँ, उस हिसाब से मेरा 1 kg वेट लॉस हुआ है। उसके अलावा मैं जो डेली जो मेरा डाइट रहता है वो मैं शेयर करूँगी आपके साथ शायद आने वाले वीडियोस में। अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा। और यही होता है वाटर फास्टिंग, जिससे कि काम करता है क्या नहीं करता, ये सब कुछ शायद मैंने आपके साथ शेयर किया गया है। और इसके साथ साथ कुछ और अगर आपको डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मुझे आप लोगों का कमेंट पढ़ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसके साथ साथ जो भी उसके अलावा डाउट रहेगा उसका आंसर मैं ज़रूर दूँगी। तो चलिए, ब्लॉग अगर आप लोगों को अच्छा लगता है ना फ्रेंड्स, तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरे साथ ऐसे ही बने रहने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि जब भी मेरी कोई वीडियो आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और मैं अभी शाम को डिनर करने के बाद ना बाल छोड़ इसलिए चल रही थी क्योंकि बाल सारा दिन बन बन के ऊपर रहते हैं, क्योंकि कोरोना का टाइम है, बाल छोड़ेंगे तो इतने लंबे बाल कहीं ना कहीं तो उसे टच हो ही जाएगा और कोरोना मेरे साथ घर आ जाएगा। इसलिए मैं क्या करती हूँ कि नॉर्मली अपने बालों को ऊपर बन बना लेती हूँ और सारा दिन वैसे ही रहता है। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, शाम को आने के बाद ना थोड़ा सा हेयर को लीव करके आधा घंटे इधर उधर टहल लेती हूँ बालकनी में, बस हो जाता है। तो चलिए, मैं फिर से बन बना चुकी हूँ, सोने जाने की, क्योंकि बाल ऐसे छोड़ रहेंगे तो उसमें टांगे ला जाएंगे और मैं उसके साथ में बाल डालने चाहूँगी। तो चलिए, आज का ब्लॉग किसी भी रीजन पे अच्छा लगा ना तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा फ्रेंड्स। और उसके साथ साथ मिठूस फैशन फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।